कुचामन मंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट डाबला रोड पर गंदे पानी की निकासी को लेकर बनाए गए नालों पर फेरो कवर रखे जाने के स्थान पर घटिया सामग्री का प्रयोग करते हुए नाले को ढके जाने का कार्य अभी पूर्ण भी नहीं हुआ था कि बड़ी मुश्किल से एक गोवंश की जान बचाई जा सकी। तो वहीं नाले से लगते व्यापारियों के अनुसार जहां एक और रोड बन जाने के बाद हैवी ट्रैफिक के चलते तमाम लोगों की आवाजाही इसी नाले रूपी फुटपाथ से ही हो सकेगी। ऐसी स्थिति में नाले को कवर किए जाने के लिए जहां मजबूत फेरो कवर रखे जाने चाहिए थे, वहीं हल्की बजरी रोड़ी कंक्रीट की लेयर बिछाए जाना आमजन के लिए किसी जोखिम से कम नहीं होगा। गौरतलब बात यह है कि इस रोड का प्रारंभ से लेकर आज दिन तक सुर्खियों में बना हुआ है, कभी रोड की खुदाई को लेकर, कभी रोड की मोटाई को लेकर, तो कभी रोड साइड बनाए जाने वाले नालों को लेकर, और अब नालों को ढके जाने के लिए फेरो कवर को लेकर व्यापारियों सहित आमजन में आक्रोश आज भी बरकरार है। परिणाम स्वरूप रोड निर्माण के शुभारंभ की शिला पट्टिका पर अंकित नामों को बजरी चुने से मिटाए जाने का प्रयास किया जाना क्षेत्रीय इतिहास की पुनरावृत्ति कही जा सकती है। संगठन का पदाधिकारी डाबला रोड पर मेरी भी एक छोटी सी दुकान है और यहाँ वाले को चकमा मत दिया करो। लगभग 3-4 महीने से इसका काम चल रहा है, पूरा लॉकडाउन निकल गया, लेकिन इसमें क्या ऐसी परेशानियाँ थी जो जनता को परेशान करने के लिए अब तक इसका काम पूरा नहीं हुआ। आज सुबह की घटना है, जो नाली बन रही इस पर फेरो कवर की जगह इन्होंने पूरा इसको छाप दिया गया है सीमेंट और कंक्रीट से। लेकिन प्रशंसनीय ये है कि इसमें इतना हल्का मटेरियल डाला गया है कि आज सुबह एक गोवंश का पैर फंस गया और नाली में पूरा अंदर धंस गया। और इसकी जब शिकायत की जाने की तैयारियाँ हुई तो आनन फानन में ठेकेदार ने आकर इसकी फिर से लिपापोती कर ली गई है। क्या इस 10 फुट की लिपापोती से ये काम पूरा हो जाएगा, जिस पर यहाँ LBS कॉलेज का मेन गेट पर पड़ता है, उस पर ट्रैफिक भी जाता है पाना देवी कॉलेज में, आगे कांसीपुरम कॉलोनी है उस पर भी ऐसा ही सिस्टम बनाया हुआ है, एक गली और है इसमें भी ऐसा ही सिस्टम बनाया गया है जहाँ पर मोटरसाइकिल छोटे व्हीकल भी जाते हैं। जब एक गोवंश का पैर फंस सकता है तो क्या यह बड़ा हादसा नहीं हो सकता? वास्तव में इसमें बहुत ही घटिया सामग्री डाली गई है जो निश्चित ही एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है ठेकेदार के ऊपर। दूसरा, यहाँ के व्यापारियों का कोई ध्यान नहीं दिया गया, सारी दुकानें नीची पड़ गई, अनेक बार शिकायत करने के बाद भी अपनी मनमानी तरीके से इस रोड को ऊंचा उठा के बनाया गया है, सारी दुकानें नीचे पड़ चुकी हैं। तो और फिर 3-4 महीने से जो काम चल रहा है, पूरा लॉकडाउन का समय इन्होंने निकाल दिया, अब आए दिन जाम लगा रहता है यहाँ पर, व्यापारी परेशान है। इसका काम भी अति शीघ्र होना चाहिए और ये जो आज विशेष घटना हुई है मटेरियल को लेकर, वास्तव में ये निंदनीय है और इस पर विचार न करना चाहिए। हमारे क्षेत्रीय नुमाइंदों को भी और ठेकेदार को भी इसकी सामग्री अच्छी डाली जाए ताकि राहगीरों को और आसानी मिले और इसको दुरुस्त किया जाए। क्या ये 10 फीट का दुरुस्त करने से निराकरण नहीं होगा? पूरी नाली को ऐसा ही दोबारा से अच्छे मटेरियल से किया जाए जी। उसका साइज भी छोटा रहता है फेरो कवर का, उसको उठा के नालियाँ साफ़ करने में सुविधा रहती है, लेकिन पता नहीं इनकी क्या रणनीति है। अब ये नालियाँ आए दिन भरी ही रहेंगी, इनका कोई छटाई का कोई सिस्टम नहीं बनता, जैसे हम आलसो देख रहे हैं। तो मैं तो चाहता था कि यहाँ पे फेरो कवरी डलें, लेकिन कुछ कुछ जगह इन्होंने छोड़ के डाली है, शायद वो फेरो कवर से ढकेंगे, वो उनकी क्या योजना है ये समझ में नहीं आ रहा। वर्तमान समस्या तो यह है कि इस पर जो मटेरियल डाला गया है वो नियायत की घटिया सामग्री डाली गई है, जो आपके सामने दृश्य है, ये इसको दोबारा से डालिए। अब ये क्यों लिपापोती कर रहे हैं, कहाँ तक करेंगे, ये समस्या बाहर है। ये हमारे सामने बना है, थोड़ा बना गए, आधा छोड़ दिए उधर बना दिए, और ये जिस टाइप से बना हुआ है आगे क्या हालत होगी, हम आकिल पड़ गए पीछे। मतलब ये जो लेयर डाली जा रही है, क्या इसके मटेरियल से इससे संतुष्ट है आप? अभी तो जिस हिसाब से काम हो रहा है कैसे संतुष्ट होंगे, परेशानी पैदा होगी, बस ये कचरा बन जाएगा, बस रोड दिख धीरे धीरे। और हैवी लोडेड आते हैं सारे ट्रक्स वगैरह जो भी हैं, हाईवे डंपर ट्रक आते हैं। ये माल मटेरियल जो बना हुआ है, जिस हिसाब से काम हो रहा है वो ठीक नहीं है, और जिस हिसाब से ये होगा, हैवी लोडेड सामान आए जाएंगे, बगल में कोपाना देवी कॉलेज बनी हुई है, इस वजह से परेशानियां धीरे धीरे पैदा हो, ये ठीक नहीं है। आपने ठेकेदार को बताया कि इसके बारे में? हाँ, अगल बगल वाले बता रहे हैं, हमने भी बताया है, थोड़ा सुनाई नहीं हो रही ठीक से।